अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक्स। भाई सेकंड मुकाबला पीएसएल का वो हो गया कंप्लीट, और भाई इतने इंटरेस्टिंग, इतने थ्रिल मैच हो रहे हैं कि भाई मजा आया था। यही है पीएसएल की एक्साइटमेंट, और लेवल जो है वो बढ़ता जाता है कि कब अगला मैच आएगा। और इतने क्लोज मैच होते हैं तो भाई बड़ा मजा आया था। हर मैच जो है वो फाइनल ओवर पे जा रहा है, इतने क्लोज मैच हो रहे हैं कि भाई मजा ही आ रहा है मुझे तो। आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। पहला मैच था लाहौर कलंदर मुल्तान के बीच, जो कि लाहौर कलंदर वो एक रन से जीत गया। आखिरी ओवर तक मैच गया था, बड़ा बेहतरीन रहा, जबरदस्त मैच रहा। सेम सिचुएशन जो थी वो सेकंड मैच की भी थी, आखिरी ओवर तक मैच गया। भाई क्या बात थी मैच की, मुझे तो बड़ा मजा आया, थ्रिल था, क्योंकि जब इतना क्लोज मैच होते हैं ना तो भाई एक्साइटमेंट जो है वो दिल धक धक, हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। तो भाई स्टार्ट से आते हैं, पेशावर जलमी जो थी वो पहले करी बैटिंग, क्योंकि कराची किंग ने टॉस जीत के दी उनको पहले बैटिंग। टॉस जीता कराची किंग ने, ली पहले बॉलिंग। भाई पूरे पीएसएल यही चलता रहेगा कि टॉस जीतो और सामने वाले को बैटिंग दो, कम रन पे रिस्ट्रिक्ट करो और आसानी से चेस करो। वही चीज़ अगर कराची किंग कम स्कोर खाता, इनको 160 या 170 180 के दरमियान भी रोक देता तो कराची किंग ये मैच ले उड़ता। जैसे कि टॉम कोलर जो भाई बड़ा बेहतरीन खेला, पेशावर जर्मी के जो ओपनर निकले टॉम कोलर कॉडमोर, भाई बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया इन्होंने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का। भाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त खेलेंगे, लेकिन भाई बेहतरीन खेला। साथ में बॉबी किंग ने भी बड़ा ज़बरदस्त इनका साथ दिया, सिंगल डबल लेते गए और टॉम कोलर को हिट लगाने दी। एंड में बाबर ने भी हिट लगाई, लेकिन जो टॉम कोलर ने जो भाई बड़ा मज़ा आ गया मैच देख के, इन्होंने भाई सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी, इतनी धुलाई की कि भाई इमाद वसीम और आमिर जो है अगली बार फुल प्रैक्टिस से आएंगे कि बॉलिंग जो है वो अच्छी लेन और सही तरह बॉलिंग करनी है, इस तरह नहीं पिटना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह पिटते रहे तो हर मैच में 200 खाते ही रहेंगे। तो सेम चीज़ थी, अच्छा स्टार्ट लिया, दो विकेट गिर चुकी थी पेशावर जलमी की, तो भाई टॉम कोलर और बाबर आजम ने अच्छा स्कोर करके 200 रन तक के मैच जो है वो पहुंचा दिया। तो सेकंड बैटिंग आई कराची किंग की, कराची किंग ने भाई मैथ्यू वेट ने थोड़ी कोशिश की कि स्कोर जो है वो मार धा करके लेके जाएं, क्योंकि ख़राब स्टार्ट दे चुके थे। शर्जील खान जो है वो आउट हो चुके थे जीरो पे, लाइन लग गई, उसके बाद एक के बाद एक कराची किंग का जो प्लेयर है वो आ रहा है, विकेट दे रहा है, लो भाई विकेट बढ़ रही है, आओ कैच लो, आउट हो। कासिम अकरम, हैदर अली सब बच्चे को ही खेलने देख के आ रहे हैं कैच। बड़ा मैच था भाई, इनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। तो बस लाइन लगती गई, आउट होते गए, तो जिम्मेदारी ली शोएब मलिक और इमाद वसीम ने। भाई बेहतरीन इनिंग खेली दोनों ने, एज अ कैप्टन बड़ा बेहतरीन इन्होंने अंदाज किया। बॉलिंग वाला गुस्सा जो था उन्होंने बैटिंग में निकाला, एतमाद से खेले, कॉन्फिडेंस से खेले, शॉट खेलते गए और करे 80 रन 40 गेंदों पे। सेम चीज़ शोएब मलिक ने इतनी ज़बरदस्त 50 रन बनाए कि भाई ये मैच अगर कराची किंग जीतता तो बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि भाई दोनों ने बड़ी मेहनत की। जिस तरह वो चार विकेट गिरने के बाद दोनों जो स्कोर लेकर गए एंड तक, मैं तो चाह रहा था कि कराची ये मैच जीत जाए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर अब हार जाए तो बड़ा अफसोस होता है। वैसा ही भाई इमार वसीम की भी सेम सिचुएशन थी, भाई कुदरत साथ दे रही थी, कुदरत का निज़ाम है साथ दे रही थी, कैच छुट रहे हैं और नौ बॉल्स हो रही हैं, लेकिन वही था कि एंड में शॉट्स पड़ी नहीं और फाइनली कराची जो है वो मैच हार गया। अगर बैन कटिंग बॉलिंग में ना कर सके, बैटिंग में थोड़ा बहुत स्कोर कर देते तो कराची किंग जो है मैच ले उड़ता, क्योंकि बैन कटिंग जब बैटिंग पे आए तो कुछ गेंदें जो है वो फेस करते रहे और हिट लगी नहीं उनसे, सिंगल डबल पे गया, नौ बॉल्स पे नौ बॉल्स हो रही थी। अगर हिट लग जाती बैन कटिंग से तो भाई ये कराची किंग जो है वो आसानी से मैच जीत जाता। आखिरी ओवर तक नौ बॉल्स पे नौ बॉल्स हो रही थी, पता नहीं क्या चल रहा, नौ बॉल बढ़ रही थी, हर कोई आ रहा है फाइनल, इतना प्रेशर था कि नौ बॉल कर रहे आ रहे। बस यार क्या बोलें कि कराची किंग अगर मैच जीतता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन भी थी कि कराची किंग मैच विन करेगा। तो स्कोर ज़्यादा था, 200 रन थे, चेस कर सकते थे, लेकिन कुछ गेंदें शुरू में डॉट बॉल हुए, विकेट्स गिरी और एंड में बाउंड्रीज और स्कोर सिक्सेस नहीं पड़ सके, जिसकी वजह से कराची किंग जो है ये मैच हार गया। पूरा टूर्नामेंट हमको यही देखने को मिलेगा, जो टॉस जीतेगा उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, अगर कम रन थे वो बैटिंग साइड को रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो ये मैच ले उड़ेगा। भाई बेहतरीन पीछे कराची की, और स्कोर इस पे लंबे हो सकते हैं आराम से, आप स्कोर 200 प्लस कर सकते हो, चेज भी कर सकते हैं, बस थोड़ा प्रेशर ना लें। अगर ओपनर साथ दे रहे थे ना पावर प्ले में तो कंडीशन कुछ और होती है चेजिंग साइड की। तो बस सेकंड मैच था पीएसएल के, दोनों मैच इतने ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत मैच हुए कि भाई मज़ा ही आ गया। कोचिज जो है वो एंड में परेशान हो गए थे, पेशावर जर्मी के हो क्या रहा है, नौबल पे नौबल कर रहे हैं, तीनों कोचिज जो है वो बैठ के मैच देख रहे थे कि बस यार ये क्या चल रहा है, ये जानबूझ के कर रहे हैं या फिर इनका पैर पे चल रहा है। जो भी था बड़ा बेहतरीन मुकाबला हुआ, हमको बड़ा मज़ा आया। तो भाई इस तरह के मुकाबले जो है वो पीएसएल के आगे वाले मैचेस में हमको मिलते रहेंगे, एक्साइटमेंट जो है वो और लेवल जो है हमारा बढ़ रहा है। तो भाई नेक्स्ट मुकाबला है 15 फरवरी को मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच, देखते हैं कौन जीतता है। तो वेल मेरी प्रिडक्शन अव्वल जो है वो
कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो ये मैच विन करेगा। आपकी जो प्रेडिक्शन है, आप कौन क्या बोलते हैं, कौन सी टीम जो है ये मैच जीतेगी, कमेंट्स में मुझे अपना आंसर दें और देखते हैं किसके आंसर सही होते हैं। भाई मेरी प्रेडिक्शन कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, भाई कुछ भी करें लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे पहुंचाएं। तो भाई दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह क्रिक टॉक्स में आपसे मुलाकात होते रहेगी। मिलते हैं अगले क्रिक टॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।